जय हिंद जय हिंद। मंच पर विराजमान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बहन ममता बनर्जी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री प्रहलाद पटेल, श्री बाबुल सुप्रियो जी, नेताजी सुभाष बोस के निकट संबंधी जन, भारत का गौरव बढ़ाने वाली आजाद हिंद फौज के जांबाज सदस्य, उनके परिजन, यहां उपस्थित कला और साहित्य जगत के दिग्गज और बंगाल की इस महान धरती के मेरे भाई और बहनों, आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। बचपन से जब भी ये नाम सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं किसी भी स्थिति में रहा, परिस्थिति में रहा, ये नाम कान में पड़ते ही एक नई ऊर्जा से भर गया। इतना विराट व्यक्तित्व की उनकी व्याख्या के लिए शब्द कम पड़ जाए। इतनी दूर की दृष्टि कि वहां तक देखने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ जाए। विकट से विकट परिस्थिति में भी इतना हौसला, इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती ठहर न पाए। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं और नमन करता हूं उस मां को, प्रभा देवी जी को, जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। आज उस पवित्र दिन को 125 वर्ष हो रहे हैं। 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था, भारत के नए सैन्य कौशल का जन्म हुआ था। मैं आज नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। साथियों, मैं आज बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को तप, त्याग और तितिक्षा से घड़ने वाली
बंगाल की इस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य भूमि को राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, मां शारदा, मां आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसे संतों ने इस पुण्य भूमि को वैराग्य, सेवा और आध्यात्म से अलौकिक बनाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, गुरुचंद ठाकुर, हरिश्चंद्र ठाकुर जैसे अनेक समाज सुधारक, सामाजिक सुधार के अग्रदूतों ने इस पुण्य भूमि से देश में नए सुधारों की नींव भरी है। जगदीश चंद्र बोस, पीसी रॉय, एसएन बोस, मेघनाथ शाह, अनगिनत वैज्ञानिकों ने उस पुण्य भूमि को ज्ञान विज्ञान से सींचा है। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्रगीत भी दिया है। इसी भूमि ने हमें देशबंधु चित्तरंजन दास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हम सभी के प्रिय भारत रत्न प्रणब मुखर्जी से साक्षात्कार कराया है। मैं इस भूमि के ऐसे लाखों लाख महान व्यक्तित्वों के चरणों में भी आज इस पवित्र दिन पर प्रणाम करता हूं। साथियों, यहां से पहले मैं भी नेशनल लाइब्रेरी गया था, जहां नेताजी की विरासत पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और आर्टिस्ट कैंप का आयोजन हो रहा है। मैंने अनुभव किया, नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी के जीवन की ऊर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है। उनकी यही ऊर्जा, यही आदर्श, उनकी तपस्या, उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। इसलिए देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाए। आज सुबह से देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम हर कोने में हो रहे हैं। आज इसी क्रम में नेताजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कोलकाता और बंगाल जो उनकी कर्मभूमि रहा है, यहां नेताजी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी आज से शुरू हो रहा है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे।
हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। आज जब इस वर्ष देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है, जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। उन्होंने आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, पंथ, हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने फौज के सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी, उन्हें देश के लिए जीने का जज्बा दिया, देश के लिए मरने का मकसद दिया। नेताजी ने कहा था, भारत डाक छे रोकटो डाक दिए छे रोकतो के, ओठो दांडाओ आमोदेर नोष्टो करार मतो सोमय नोय। अर्थात भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। साथियों, ऐसी हौसले से भरी हुंकार सिर्फ और सिर्फ नेताजी ही दे सकते थे, और आखिर उन्होंने ये दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होता, भारत के वीर सपूत रणभूमि में उसे भी परास्त कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प लिया था भारत की जमीन पर आजाद भारत की आजाद सरकार की नींव रखेंगे। नेताजी ने अपना ये वादा भी पूरा करके दिखाया। उन्होंने अंडमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फहराया। जिस जगह अंग्रेज देश के स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देते थे, काला पानी की सजा देते थे, उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी थी। वो सरकार अखंड भारत की पहली आजाद सरकार थी। नेताजी अखंड भारत की आजाद हिंद सरकार के पहले मुखिया थे, और ये मेरा सौभाग्य है कि आजादी की उस पहली झलक को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में हमने अंडमान के उस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। देश की भावना को समझते हुए नेताजी से जुड़ी फाइलें भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की। ये हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दौरान INA वेटरन्स परेड में शामिल हुए थे। आज यहां इस कार्यक्रम में
आजाद हिंद फौज में रहे देश के वीर बेटे और बेटी भी उपस्थित है। मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूं और कब प्रणाम करते हुए कहीं कहूंगा कि देश सदा सर्वदा आपका कृतज्ञ रहेगा। कृतज्ञ है और हमेशा रहेगा।